हेलो तो अब हम बीजेपी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे बेटा। सबसे पहले बीजेपी पाइथागोरस थ्योरम बेटा, इज इट क्लियर विजिबल टू यू? आपको दिखाई दे रहा है साफ? तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे, फिर इसका कन्वर्स और फिर इसको अप्लाई करेंगे। तो पहली बात तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको एक राइट ट्रायंगल गिवन है। एक राइट ट्रायंगल में हमें प्रूव करना है, मान लीजिए मैंने राइट ट्रायंगल बना ली एबीसी और एंगल बी 90 ले लिया, तो गिवन आपको इसमें होगा इन राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। अब इसमें इसके स्टेटमेंट देखें तो साफ लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द स्क्वेयर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल या द स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर है तो हाइपोटेन्यूज पहले बात 90 डिग्री के अपोजिट साइड यानी एसी है इस ट्रायंगल में। तो हमें प्रूव करना है कि जो एसी का स्क्वेयर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर किसके इक्वल है? सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स ए बी स्क्वेयर और बी सी स्क्वेयर। रिमेनिंग टू साइड्स है ए बी स्क्वेयर और बी सी स्क्वेयर के सम के इक्वल, ये प्रूव करना है। दूसरा, इसको अप्लाई भी केवल तभी कर पाएंगे जब आपको केवल और केवल कौन सी राइट ट्रायंगल की बनाओगी। अगर ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नहीं दी हुई तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी। यहां से बी से बी डी मान लीजिए आपने परपेंडिकुलर कर दिया, ये बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए सी पर। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी। प्रूफ, अब आप देखिए इसमें जैसे ही आपने बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपके पास तीन ट्रायंगल बन गई। इस एंगल को मैं नंबर वन डाल देता हूं, इसको टू। तीन ट्रायंगल कौन कौन सी? ए बी डी, दूसरी बी सी डी और तीसरी ए बी सी, यानी दो छोटी ट्रायंगल है और एक बड़ी ट्रायंगल। हमें क्या करना है, इस स्मॉलर ट्रायंगल को होल ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है, और उसके बाद फिर आपके पास ए बी स्क्वेयर और बी सी स्क्वेयर आएगा, उन्हें ऐड कर देना। तो पहले प्रूफ में आप मान के ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड होल ट्राइंगल ले रहे हैं ए ए सी बी। ए सी बी क्यों लिया गया है? इसलिए लिया गया है कि एंगल ए कॉमन है, ये वाला एंगल ए बी डी के अंदर भी है और ए सी बी के अंदर भी है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। दूसरा, ए बी डी ट्राइंगल में डी पर, ए बी डी डी पर जो एंगल बन रहा है 90 का कंस्ट्रक्शन से, उसको हमने नंबर दिया हुआ है वन। तो इसका मतलब एंगल वन इधर होल ट्राइंगल में बी यानी ए बी सी एंगल के इक्वल है, इज इक्वल टू 90। तो ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगी ट्राइंगल ए सी बी के बाय ए सिमिलरिटी। यहां से अब आप ए बी साइड ले रहे हैं तो ए बी की कोरस्पोंडिंग साइड है ए सी, यानी ए बी अपॉन ए सी। दूसरा, फर्स्ट और सेकंड लेटर से आपने साइड ली है, यहां भी फर्स्ट और सेकंड,
दूसरी साइड लेंगे फर्स्ट और थर्ड वेक्टर यानी एट डी, एट डी की कोरस्पोंडिंग साइड यहाँ एपी आएगी। तीसरी साइड बी डी इज इक्वल टू बी बी डी अपॉन बी सी में नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे एपी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हो कि अगर आपने फर्स्ट टू वेक्टर से जो साइड एपी बन रही है इसकी कोरस्पोंडिंग साइड एसी का रेशियो ले लिया, और फर्स्ट और लास्ट पे जो ए डी है वो ए बी की कोरस्पोंडिंग में ले ली, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया जी ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये इक्वेशन नंबर वन आ गया। केवल क्या किया आपने, इस स्मॉल ट्राइंगल ए बी डी को होल ट्राइंगल के सिमिलर किया है। सिमिलरली अब इस ट्राइंगल को सिमिलरली ट्राइंगल इन ट्राइंगल सी बी डी एंड ट्राइंगल सी ए बी, यहां ध्यान से नाम भी लिखना है क्योंकि देखो आप सी बी डी ले रहे हो तो ये एंगल सी आ रहा है एक्स पे, ये वाला एंगल, और सी ए बी सी ए बी ले रहे हो तब भी एंगल सी आ रहा है, यानी एंगल सी इसमें कॉमन है, इसलिए दोनों ट्राइंगल के नाम लिखते वक्त मैंने एंगल सी को फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है। सिमिलरली सी बी डी में जो एंगल डी है इसको हमने नंबर डाल रखा है एंगल टू, तो एंगल टू जो है ये बी के सी ए बी में, सी ए बी मीन्स पूरी ट्राइंगल में एंगल बी के इक्वल है, इसको पूरा नाम भी लिख सकते हैं ए बी सी इक्वल टू 90। तो ये भी ट्राइंगल सिमिलर होगी, ट्राइंगल सी बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी बाय ए सिमिलरिटी, और इस सिमिलरिटी से यहां बी सी निकालेंगे, अगर बी सी बी सी की कोरस्पोंडिंग साइड है एसी। अब मैंने ये पीछे से इधर कितना तरफ लिया है, यानी बी से पहले बी लिख दिया फिर सी, सी बी लिखो या बी सी ए की बात है, यहाँ ए सी। सिमिलरली दोबारा बी सी जब आएगा तो फर्स्ट और लास्ट लेटर लेंगे, तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट लेटर सी डी अपॉन बी सी, यानी यहाँ बी सी की कोरस्पोंडिंग साइड ए सी है और फर्स्ट और लास्ट लेटर से सी डी ले रहे हो तो सी डी की कोरस्पोंडिंग साइड सी बी या बी सी है, इन्हें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा बी सी स्क्वेयर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहां करेंगे तो आएगा सी डी इंटू ए सी। ये इक्वेशन नंबर टू। तो पहले इक्वेशन में आपने बी स्क्वेयर फाइंड कर लिया, दूसरी इक्वेशन में बी सी स्क्वेयर फाइंड कर लिया, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो इक्वेशन नंबर वन और टू को ऐड करें, यहां कर देता हूं मैं ऐड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड लेफ्ट साइड में यहाँ ए बी स्क्वेयर है, यहाँ बी सी स्क्वेयर, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करेंगे यानी ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, राइट साइड में यहाँ है ए डी इंटू ए सी, तो ये लिख दिया ए डी इंटू ए सी प्लस यहाँ राइट साइड में सी डी इंटू ए सी, यहाँ से ए सी आप कॉमन अगर आप लेंगे तो आपके पास आ गया ए डी प्लस सी डी, ए सी कॉमन लिया आपने, यहाँ बच गया ए डी यहाँ सी डी, लेकिन आप यहां से देखें ए डी और सी डी को अगर ऐड करते हैं, ए डी ये साइड है सी डी ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ए सी ही बनेगा, यानी ए सी इंटू ए सी ए सी स्क्वेयर, हैंस प्रूव, ये प्रूव कर। आप इसको बहुत सारे सम्स में अप्लाई करेंगे पीजीटी को, कन्वर्स ऑफ पीजीटी कुछ सम में ही अप्लाई होगी लेकिन पीजीटी मोस्टली सम्स में होगी, देखते कैसे। तो पहले ये थ्योरम आप अच्छे से समझ लें एक बार, कि अगर आपको पीजीटी है पाइथागोरस थ्योरम है तो आपको लगानी किसमें, राइट ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वेयर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वेयर के सम के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी है और कंस्ट्रक्शन को याद रखना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है,
यहां से बीच से बीडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एसी पर। बीडी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही ये स्मॉलर ट्राइंगल ए बी डी को होल ट्राइंगल ए सी बी के सिमिलर कर दिया। सिमिलरली सी बी डी को होल ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर कर दिया। जब आपने ए बी डी को ए सी बी के सिमिलर किया तो यहां से आपके पास आया ए बी स्क्वायर इक्वल टू 18 इनटू ए सी, यानी ये वाली साइड। सिमिलरली जब आपने सी बी डी को सी ए बी के सिमिलर किया तो आपके पास आया बी सी स्क्वायर। इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया तो आपके पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल आ जाए। सेकंड कन्वर्स ऑफ पीजीटी, ये भी अब हमें इसी चैप्टर में करनी है और उसका उससे कुछ क्वेश्चंस भी। पीजीटी श्योर एग्जाम में सिलेबस में रहेगी क्योंकि आगे सिलेबस क्या रहेगा क्या चेंज होगा ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। पिछले सिलेबस को ही कंटिन्यू रखेंगे या थोड़ा चेंज करेंगे ये उसके अकॉर्डिंग। पीजीटी तो है हमारे सिलेबस में लेकिन कन्वर्स ऑफ पीजीटी नहीं है तो ये बाद में डिसाइड करेंगे। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस में पहले एक बार दिखाता हूँ आपको करके। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कन्वर्स ऑफ पीजीटी यूज हो रही है तो पहले मैं कन्वर्स ऑफ पीजीटी को प्रूव करके दिखा देता हूँ। कन्वर्स ऑफ पीजीटी में आपको गिवन है मान लीजिए ये ट्राइंगल दी हुई है ए बी सी। गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ये गिवन है आपको। टू प्रूव करना है इसमें तो दूसरा अच्छी बात यह है कि ये कन्वर्स ऑफ पीजीटी लगाने के लिए जरूरी है कि किसी ट्राइंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो जो फर्स्ट साइड है उसका जो अपोजिट एंगल है फर्स्ट साइड यहाँ आपने एसी लिए तो एसी के अपोजिट एंगल यानी ये बी, ये टू प्रूव करना है कि एंगल बी 90 डिग्री होगा, ये प्रॉब्लम है। अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन फिर से करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में नंबर एक एक एबीसी ट्रायंगल है आपको दी हुई, एक और राइट ट्रायंगल को आप ले लेंगे। ये आपने मान लीजिए कोई राइट ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ कर ली,